नंबर गेम में पिछड़े उद्धव ठाकरे, रात 10 बजे छोड़ा सीएम हाउस, वर्षा निजी घर मातोश्री पहुंचे। सीएम हाउस के बाहर जमा थे हजारों शिवसेना कार्यकर्ता, जमकर हुई नारेबाजी। समर्थकों ने हाथों में ले रखी थी उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें। सीएम हाउस से मातोश्री के रास्ते में भी जमा थे शिवसेना। एक कार में सवार थे उद्धव, दूसरी कार में बेटा आदित्य और पत्नी सवार थे। आदित्य ने दिखाया जीत का निशान। फेसबुक लाइव में भी उद्धव ने किया था ऐलान, अगर शिवसेना विधायक चाहे तो छोड़ सकते हैं सीएम का पद। शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच समर्थन दिखाने के लिए जोर आजमाइश, दिन भर चला नारेबाजी और पोस्टर के जरिए ताकत दिखाने का सिलसिला। उद्धव के घर बाहर जमा समर्थक दिखे बागियों से नाराज, चुनाव में नतीजे भुगतने की दी चेतावनी। लोग आज इधर आए, हम लोग इतना रोने को आ रहे हैं हमारे साहब के लिए, इन लोग के लिए, सब को इन लोग के ऊंचे से हो रहे सब, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग सामना करेंगे और सामना करके रहेंगे। नांदेड़ में बागी विधायकों का विरोध पोस्टरों में दिखा, पोस्टरों में किया गया ऐलान, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। शिंदे के गृह जिले थाने में उनके समर्थन में मोर्चाबंदी, छिड़ी पोस्टर वॉर। शिवसेना के बागी गुट से अलग हुए नितिन देशमुख, कहा मैं उद्धव के साथ। नागपुर लौटे देशमुख का जोरदार स्वागत, घर पहुंचने पर उतारी गई आरती। नितिन देशमुख के एकनाथ शिंदे गुट पर गंभीर आरोप, कहा बंधक बनाकर रखा, अस्पताल ले जाकर दिया इंजेक्शन। ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। नितिन देशमुख की वापसी के बाद भी उद्धव को राहत नहीं, नंबर गेम में पिछड़े। उद्धव ठाकरे की बागी विधायकों से इमोशनल अपील, फेसबुक लाइव में कहा इस्तीफा देने को भी तैयार। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे, आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाली तर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे। बागियों को लेकर नरम दिख रहे हैं उद्धव, कहा मेरे बाद कोई शिवसैनिक ही सीएम बने तो होगी खुशी। शिंदे ने ठुकराया उद्धव का ऑफर, कहा अब हो चुकी है काफी देर। शिंदे को सीएम पद की पेशकश को राउत ने बताया गलत, कहा उद्धव नहीं देंगे इस्तीफा, जरूरत पड़ी तो साबित करेंगे बहुमत। एकनाथ शिंदे को शिवसेना पर हक जताने के लिए चाहिए कुल 37 विधायक, शिंदे को है ये नंबर हासिल होने का इंतजार। फिलहाल 34 विधायक शिंदे के साथ, इनमें से 3 विधायक मुंबई में हैं। मंगेश कुदालकर और सदा सर्वांकर आज गुवाहाटी पहुंचेंगे, इनके बाद शिंदे गुट की ताकत होगी 36। दीपक केसारकर भी शिंदे गुट के साथ जाएंगे, उनके गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिंदे के साथ होंगे शिवसेना के 37 विधायक। 37 नंबर आते ही एकनाथ शिंदे कर सकते हैं असली शिवसेना होने का दावा, उद्धव का दावा होगा कमजोर। बागी गुट ने प्रस्ताव वाली चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को भेजी, कहा चीफ व्हिप बदलने का हमारे पास है हक। महाराष्ट्र में संकट के बीच आज एनसीपी ने बुलाई अपनी विधायकों की बैठक, पवार ने कहा हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। कानून के विशेषज्ञों की राय, गवर्नर खुद भंग नहीं कर सकते विधानसभा, नियमों का करना होगा पालन। महासंकट में राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका अहम, विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रपति शासन भी है एक विकल्प। महाराष्ट्र में सरकार बचाने गए कमलनाथ पर सीएम शिवराज का तंज, जो अपनी सरकार एमपी में नहीं बचा सके वो दूसरे राज्य में सरकार बचाने चले। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने मुंबई में पार्टी के विधायकों से की मुलाकात, बोले एकजुट हैं सारे एमएलए। कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक दिखाऊ रही है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहे। उमा भारती ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा ये बाला साहेब वाली शिवसेना नहीं, ये कांग्रेस की बीटी। महाराष्ट्र में सरकार बनी थी वो है अननेचुरल थी, वो बन नहीं सकती क्योंकि शिवसेना का और कांग्रेस का अलायंस हो नहीं सकता था, लेकिन वो हुआ, बीच में उनमें झगड़े भी हुए, तो ये जो एंड हुआ है ये तो काफी। औरंगाबाद में एकनाथ शिंदे समेत बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी।
पांच देशों के समूह ब्रिक्स का आज शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल तरीके से करेंगे शिरकत। शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जुड़ेंगे पीएम मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज वाणिज्य मंत्रालय के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन, निर्यात नाम के पोर्टल की भी करेंगे शुरुआत। आजमगढ़ और रामपुर में आज होंगे उपचुनाव, 35 लाख लोग डालेंगे वोट, सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है वोटिंग। संगरूर सीट पर भी आज होगा उपचुनाव, सत्तारूढ़ आपकी पहली परीक्षा। आज दिल्ली आएंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, कल करेंगी नामांकन। मुर्मू को बीजेपी और जेडीयू का भी समर्थन, नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे पीएम और कई मंत्री। मुर्मू के चयन पर टीएमसी का बयान, आदिवासियों का बढ़ावा नहीं उनका इस्तेमाल करती है बीजेपी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा शुरू करेंगे प्रचार, झारखंड बिहार से शुरू करेंगे अपनी मुहिम। अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी, कांग्रेस 27 जून को देशभर में करेगी सत्याग्रह। महाराष्ट्र का सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ने लगाई अर्जी। सोनिया गांधी ईडी के सामने नहीं होंगी पेश, सोनिया के अनुरोध पर ईडी ने दिया 4 हफ्ते का वक्त। केदारनाथ यात्रा के दौरान भारी चट्टान गिरने से 2 तीर्थयात्रियों की मौत, इस बार की पूरी यात्रा के दौरान मौत का आंकड़ा पहुंचा 90। गोवा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने पर विचार, राज्य की कैबिनेट करेगी फैसला। रोहतक में अग्निपथ के विरोध में महापंचायत, सांपला में अग्निपथ के खिलाफ स्थायी धरना आज से शुरू। असम में बाढ़ से हालात विकट, असम में बाढ़ से हालात विकट, 24 घंटे में 12 और लोगों की मौत, असम में अब तक 100 लोगों की गई जान। सिलचर में हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे, सेना ने चलाया राहत और बचाव का अभियान। बोगाई गांव में भी बाढ़ से हालात लगातार बिगड़े, हजारों की तादाद में लोग रिलीफ कैंपों में पहुंचे। नौगांव में बड़े पैमाने पर जमीन का कटान, राहत अभियान का जायजा लेने पहुंचे सीएम हेमंता। चिरांग में भी बाढ़ से हालात विकट, प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे राज्य के मंत्री यूजी ब्रह्मा। कश्मीर में सोनमर्ग के पास बर्फीला तूफान, भारतीय सेना ने बचाई कई लोगों की जान। नवादा में भारी बारिश, 2 घंटे की बारिश में पूरा सदर अस्पताल तालाब में तब्दील। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड में 5 महिलाएं घायल, एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश लाई गई। ईटानगर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही, ईटानगर से असम जाने वाला हाईवे बंद। बांग्लादेश में भी बाढ़ का कहर, कई इलाके पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगहों पर यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश, लगातार बढ़ रहा है तवी नदी का जलस्तर। कश्मीर के बांदीपुरा और गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। प्री मॉनसून की बारिश के बाद रणथंभौर में अद्भुत नजारा, शावकों के साथ हाईवे पर नजर आई बाघिन। वाराणसी एयरपोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड, हिंदी अंग्रेजी के बाद संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला पहले हवाई अड्डा। सीतामढ़ी में दिल दहलाने वाली वारदात, रेप में नाकाम रहने पर लड़की को जिंदा जलाया। करौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं में रूदम पैजार, संगठन महामंत्री के पहुंचने से पहले भिड़े दो। हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में घुसकर जौहरी की हत्या, वारदात के बाद बीच बाजार फायरिंग करते फरार हुए लुटेरे। कानपुर में एयरपोर्ट निर्माण साइट पर हादसा, जेसीबी की चपेट में आने से एक की मौत। बांदा में चलती स्कूटी में अचानक आग, स्कूटी सवारों ने कूदकर बचाई जान। अयोध्या में राम की पैड़ी में पत्नी के पति को किस करने पर बवाल, लोगों ने पति की पिटाई की। नोएडा की फैक्ट्री में भीषण आग, आधा दर्जन दमकलों ने बुझाई आग। गढ़वा में जमीन का झगड़ा बना खूनी, 3 लोगों का कत्ल। मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एसपी नेता यूसुफ मलिक की कई संपत्तियां सील। दिल्ली के साइबर अपराध थाने में घुसा एक शख्स, 5 पुलिस वालों को मारा चाकू, एक की हालत गंभीर। दिल्ली में डिमोलिशन की मुहिम, आईटीओ पर पक्के निर्माण भी तोड़े। शिवराज ने उज्जैन से निकाय चुनाव प्रचार का किया आगाज, उज्जैन में की जन आशीर्वाद रैली। हादसे में अमूल के एमडी और एस सोढ़ी बाल बाल बचे, टायर फटने के बाद पलट गई थी कार।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गुवाहाटी कोर्ट का समन। असम सीएम की पत्नी की तरफ से दायर मानहानि केस में होगी पेशी। सलमान खान फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में, ग्रीन इंडिया चैलेंज में भी लिया भाग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया साइंस टेक्नोलॉजी कांग्रेस का उद्घाटन, राज्य के युवाओं का बढ़ाया हौसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का संगीन आरोप, संजय सिंह ने कहा 53 मंदिर तोड़ने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। किराड़ी के अस्पताल को देखने पहुंचे मनोज तिवारी, केजरीवाल सरकार पर लगाया 1,250 करोड़ के घोटाले का आरोप। पुणे में बीजेपी की बाइक रैली, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर तक पहुंची महाराष्ट्र की सियासत की चिंगारी, जम्मू में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट की गाड़ी लेकर निकले तो पहली बार में लगेगा 5,000 रूपये का जुर्माना, गलती दोहराने पर 10,000 का जुर्माना, 1 साल सजा का प्रावधान। महाराष्ट्र में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 3,260 नए मरीज, 19 लोगों की गई जान। मुंबई को भी परेशान करने लगा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 1,648 नए मरीज, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,383 नए मामले, 7.22% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 682 नए मरीज, 3,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। इंग्लैंड में प्रैक्टिस के दौरान टीम की अगुवाई करते दिखे विराट, खिलाड़ियों से की बात, 24 जून से खेला जाएगा प्रैक्टिस मैच। लीस्टरशायर में कोच राहुल द्रविड़ की मौजूदगी में पसीना बहा रही है भारतीय टीम, 1 जुलाई से खेला जाएगा 5वां टेस्ट मैच, सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। श्रीलंका ने रचा इतिहास, 30 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को घर में हराई वनडे सीरीज, 5 मैचों के मुकाबले में 3-1 से आगे। हॉकी महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, गोलकीपर सविता पुनिया संभालेंगी कमान, रानी रामपाल चोट के चलते बाहर। श्रीलंका से मुकाबले के लिए तैयार भारतीय महिला क्रिकेट टीम, दामुला में बुलंद इरादों के साथ मैदान पर उतरेंगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में आए भीषण भूकंप से तबाही, करीब 1,000 लोगों की मौत का दावा, 1,500 से ज्यादा लोग घायल। रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई अफगानिस्तान के भूकंप की तीव्रता, 500 किलोमीटर दूर तक दिखा असर, खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था केंद्र। संयुक्त राष्ट्र टर्की से कहेगा अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ित इलाकों में मदद के लिए टीम भेजे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को उम्मीद, संसद में फिर हासिल कर लेंगे बहुमत। मेक्सिको के चर्च में 3 लोगों का कत्ल करने वाले आरोपी की पहचान हुई, राष्ट्रपति ने दी जानकारी, मारे गए लोगों में शामिल थे 2 पुजारी।